आप सभी को एक बार फिर से अनिल एडवांस इंग्लिश हब और जीनियस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का मैं अनिल तेजपाल शर्मा वेलकम कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, इन दिनों लेक्चर सीरीज में ड्यूरिंग दीज सेशंस ऑफ लेक्चर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेंस। टेंस समझाने की मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवा चुका हूँ, पास्ट में भी पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फटाफट से एक बार लपक करके शेयर कर दें वीडियो लेक्चर को, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैनल के थ्रू जो मेरी इंग्लिश की क्लासेज हैं इनको वो पढ़ सकें। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी के कीवर्ड्स की मैं बात करूं आप लोगों से तो बात कर सकते हैं से रहा था, से रही थी, से रहे थे। एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं एक बार इसके। फॉर्मूला ले लेते हैं इसका भाई, एक बार दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं इसका फॉर्मूला भाई, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ing फॉर्म प्लस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस ले रहे हैं सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। नेगेटिव में कैसे लेना है आपको पता है, नेगेटिव फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग, बात कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन प्लस बात करूं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले देंगे प्लस हम लोग यूज कर देंगे यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस क्या ले देंगे टाइम प्लस फुल स्टॉप। आप लोगों को इसका जो इंटरोगेटिव जो फॉर्मूला है वो इंटरोगेटिव फॉर्मूला क्या है ये आप लोग कमेंट सेशन में जरूर लिखें। तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये हम लोगों ने बात कर ली फॉर्मूले की। चलो हम लोग बात कर सकते हैं, आपको पहले बताया कि वैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में हम लोगों के पास में फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको। एक बार फिर से इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि हम लोगों के पास में क्या दिया हुआ है भाई, वैन, और वैन के आगे सेंटेंस जा रहा है तो हम लोग उसको थ्री टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। थ्री कौन कौन से हो गए हैं, थ्री कौन कौन से हो गए, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर परफेक्ट टेंस का भी यूज कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर रहे थे। कहाँ कहाँ पे कर रहे थे, कैसे कैसे कर रहे थे ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें, इस टेंस की पहचान केवल एक ही है, सिंस फॉर अ टाइम, जहाँ मिल जाए वहाँ पर हम लोग इस टेंस का यूज कर देते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करते हैं भाई। कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात कर लेते हैं।
एग्जांपल्स लिखता हूँ भाई। अनिल सर टीच एट केशव विद्यापीठ सिंस 2016। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। When I come here, Anil sir teach at Keshav Vidyapeeth for 10 years. ठीक है, एक और लिख लो। He dash work for 6 months. एक एग्जाम्पल और लिखेंगे हम लोग ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो, फिर एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ही डैश वर्क फॉर 6 months फॉर 6 months when they dash find him। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाए। भाई क्या है तो एक बार देखिए, यहां पर एक ही फ्रेज में सेंटेंस आ रहा है। जब एक ही फ्रेज में आ रहा है और हम लोगों के लिए यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ध्यान रखेंगे क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर ये क्लोज में आ रहा है तो कुछ चेंज है, लेकिन अगर सिंगल क्लोज में आ रहा है तो हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, अनिल सर हैज बीन टीचिंग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, हैज बीन टीचिंग। क्लियर है, नेक्स्ट देखें। यहां पर भी वही वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट लगभग सेम है, लेकिन वैन से आ गया है। तो वैन के बाद हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वैन आई केम हियर। ठीक है, अनिल सर हैड बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा, हैड बीन, जगह नहीं मैं यहां लिख देता हूं, हैड बीन टीचिंग। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैन के बाद वाला। ठीक है, अगर सिंगल क्लोज में आ रहा है तो प्रेजेंट का है, और अगर वैन वगैरह से कनेक्टेड होकर के आ रहा है तो हम लोग यूज कर रहे हैं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जैसे ये सेम एग्जांपल है, फॉर 6 months यहाँ पर रोक दिया, सेंटेंस आगे नहीं गया, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे शी ही हैज बीन वर्किंग फॉर
ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, ही वर्क फॉर सिक्स मंथ्स व्हेन दे फाइंड हिम, तो हम लोग क्या यूज कर देंगे, व्हेन है तो व्हेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, दे फाइंड का क्या हो जाएगा फाउंड सेकंड फॉर्म, यहां पर क्या हो जाएगा ही हैड बीन वर्किंग, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और करते हैं ताकि ये हम लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, टेंस हम लोगों का इसी के साथ में कंप्लीट भी हो जाएगा, एक्सरसाइज और देखते हैं हम लोग भाई इसकी। यस, शी प्रिपेयर डिनर फॉर 3 आवर्स व्हेन द फादर व्हेन द फादर डैश। आप लोग फिलअप करें, तब तक मैं राइट डाउन करता हूं पूरे ये भाई। व्हेन आई डैश हर, व्हेन आई डैश कॉल हर, शी डैश प्ले गिटार, प्ले द गिटार फॉर हाफ एन आवर एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम लोग भाई इसका। शी सेड दैट, ये इनडायरेक्ट नरेशन का है तो ये भी लिख लेंगे हम लोग। शी सेड दैट, शी सेड दैट शी डैश लिव हियर सिंस 2020। एक एग्जांपल और लेंगे, शी डैश सर्विस की फॉर्म है भाई सर्व, सर द कॉलेज द कॉलेज फॉर 20 इयर्स बिफोर शी रिटायर बिफोर शी रिटायर। हाँ जी, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे, शायद इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी तो मैं ले लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, देखिए यहां पर किससे कनेक्टेड है भाई, वैन से, वैन के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हम लोगों को पता है कम की सेकंड फॉर्म जो होगी वो होती है केम। क्या सिंस फॉर लग करके टाइम आ रहा है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, वैन शी हैड बीन प्रिपेयरिंग, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट वैन आ रहा है, वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वैन आए कॉल्ड हो जाएगा भाई, हर शी टाइम आ रहा है, शी हैड बीन प्लेइंग
क्लियर हो जानी चाहिए ये बातें, डाउट कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखो ये इनडायरेक्ट नरेशन का है भाई, क्योंकि दैट से कनेक्टेड है। और आप लोग देखें कि एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सिंस फॉर टाइम आ रहा है, शी हैड बीन लिविंग हो जाएगा, शी हैड बीन लिविंग। बी आई ए पी वाला फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। बी है भाई यहाँ पर बी, बिफोर से कनेक्टेड है, बी के बाद में आई ले दीजिए, शी रिटायर्ड हो जाएगा, शी रिटायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हैड बीन सर्विंग, हैड बीन सर्विंग। आई होप दैट विल बी क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो मेरी क्लासेस हैं इनसे अपने आप को प्रॉफिट, अपने आप को इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। टेंस की जो क्लासेज हैं एक भी एग्जाम्पल इससे आउट नहीं जाएगा, दैट्स गारंटी, ये गारंटी है भाई मेरी, ओके। तो आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।